between x and y. ये करेगा हो रहा है बताओ बच्चों हुआ नहीं हुआ चलो भी नहीं हुआ चलो नहीं हुआ देखो इसमें क्या है ना जो मैंने कंसेप्ट पहले बताया था वही है कि एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक तरफ एलजेब्रिक फंक्शन है तो ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन तो बनेगी नहीं या तो ग्राफ से होगा या रेंज से होगा याद आ रहा है कुछ यस सर तो इसमें हम रेंज से करेंगे तो sec थीटा की रेंज होती है माइनस इनफिनिटी टिल माइनस वन और वन टू इनफिनिटी और sec स्क्वायर थीटा की रेंज है ग्रेटर देन इक्वल टू वन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो दिस वैल्यू शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन नाउ इट इज अ वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी पॉजिटिव तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है वरना नहीं कर पाऊंगा है ना ऐसे ही होता है अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4xy विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy सो फाइनली इट विल बिकम क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज लेस देन इक्वल्स टू 0 सो दिस इज x माइनस y का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 फाइन यस सर ठीक है अब देखो किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर लेस देन 0 तो होता नहीं तो इक्वल टू 0 ही आएगा यहां से रिजल्ट तो x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 So it implies that x equals to y is the solution. अब एक बात और इम्पोर्टेंट बात sec square theta इसमें given था 4xy upon x plus y का whole square. तो x और y अगर 0 हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो ये 0 आ जाएगा जबकि sec square theta 1 से बड़ा होगा तो आंसर आएगा x equals to y but not equal to 0 तो ये ऐसे हैंडल करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गया लास्ट टाइम हमने सब पढ़ लिया था ना शायद 22 एंड हाफ और 18 डिग्री पढ़ा दिया था ना मैंने यस सर तो 18 36 सब हम डिस्कस कर चुके हैं फाइन चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट शुड आई रिमूव दिस यस सर चलो ठीक है इसको मैं हटा देता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 78 डिग्री माइनस साइन 66 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री फाइंड दिस वैल्यू ऑल ऑफ यू ट्राई दिस नाउ
बताओ भाई कुछ बनी बात। यस सर होने वाला है। पहले इन दोनों को इकट्ठे लेना, ज्यादा बेटर रहेगा ये और ये, वरना वो रेंज से बाहर चला जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। और फिर ले लो ये, अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है। यस सर। देखो मैंने यही क्यों लिया है, ये दिमाग में क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो ये 144.72 आएगा, और यहाँ पर ये 42 प्लस ये 48 आएगा तो 24 आएगा। 24 की वैल्यू नहीं मुझे पता, साइन 24 कॉस 24 मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ देखो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 78 माइनस 42 विल बिकम क्या 36, और 36 का हाफ 18, 18 डिग्री की वैल्यू बताई थी या नहीं बताई थी। यस सर। और सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, 2 cos c plus d by 2 is 120 by 260 into sin c minus d by 2 is 18 minus, यहाँ भी आएगा 2 cos c plus d by 2 72 by 2 36 sin c minus d by 2 is 30, sin 30 half होता है, half और 2 cancel out हो गया, cos 60 half होता है, half और 2 cancel out हो गया, तो this is sin 18 minus cos 36, sin 18 की वैल्यू ये होती है राइट, और cos 36 की बताई थी जो sin 18 की होती है वही होती है, बस बीच में माइनस का फर्क होता है, तो -1/4 -1/4 आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी -1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये वैल्यू याद होनी चाहिए जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, याद है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्टली आए हैं तो तुम्हें ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। सर हाँ जी, मैंने यहाँ पे अगर फॉर्म लगाने तो कॉस 60 का आंसर आ गया। दोबारा बोलना सर। सर ने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे साइन थ्री माइनस थ्री बाई टू में, सर यहाँ पे कॉस 60 कैसा आया, पहले आएगा था 2 cos c plus d by 2, तो c plus d by 60 तो हुआ, अच्छा sin c minus d by 2। सर मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन 3a का पढ़ा था, कॉस 3a का पढ़ा था। yes, अब हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। देखो जरा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो एक ही स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा। अब टोटल को मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कुछ करना चाह रहा हूँ, देखो तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो ये आपका माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं चाहूँ तो देखो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करके कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ऑल ऑफ यू। यस। बट याद नहीं करना है, याद सिर्फ इतना रखना है कि दिस इज रिटन एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे अगर हर फॉर्मूला याद करोगे तो हो गया काम, वो बाद में एग्जाम में जरूरत पड़ती है तो वी कैन कन्वर्ट डायरेक्टली देयर है ना, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इनफैक्ट सीबीएसई की बुक्स में भी इस मैथड से तुम क्वेश्चन कुछ है वो कर सकते हो,
तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस साइंस करें कट कैसे गए? ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा, और यहाँ से करो तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा, तो नहीं कटेगा? यस सर, यस, ओके। वो मैंने एक स्टेप छोड़ देता हूँ, मैं खुद बस मन में करके आगे लिख देता हूँ। देखो ये है ना, ये लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है? ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बोलो, ये डाउट है? डाउट है, बताओ पूरा लिख के। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये यहाँ पर अप्लाई होएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिखा है यहाँ। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, नाउ आई हैव कन्वर्टेड इंटू साइन, वन माइनस साइन स्क्वायर बी एंड दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आई विल गेट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें हमेशा रटे हुए होने चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट दिस, पहले मैं इसको डिराइव करता हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, फिर तो मैं डाउट रहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आई थिंक इट इज करेक्ट? यस। तो ये क्या बनेगा आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ सी दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको भी कॉस स्क्वायर ए बनाओ और साइन स्क्वायर बी छोड़ो, तभी तो कुछ कैंसिल आउट होएगा, है ना? अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कॉस स्क्वायर ए, मैं ये वाली स्टेप भी पूरी पूरी लिखता हूँ उस बार, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर बी आएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा, राइट? आई थिंक आई कैन राइट इट एज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो इसको चाहे तो हम कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, राइट? यस। 1 और 1 कैंसिल आउट होएगा तो ये कॉस स्क्वायर, नहीं 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 ये ए है, सॉरी, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यू कैन रिमेंबर एनी फॉर्मूला, बट एक याद रखो, कोई ज्यादा नहीं, इतना याद रखना है कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज हाउ इट इज।
सही है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे अब एक फॉर्मूला बनाते हैं। साइन ऑफ 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली कई बार इसका रिलेशन यूज हो जाता है। साइन ऑफ 60 प्लस ए, मैं इसकी कुछ बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ऑल ऑफ यू टेल मी इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ दिस साइन स्क्वायर ए विल बी रिटन एज रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर, दैट इज थ्री बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। फाइन ऑल ऑफ यू? यस। तो दिस विल बिकम क्या, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए बाई फोर। बोलो। यस सर। दिस विल बिकम क्या, वन बाई फोर टाइम्स ऑफ थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। फाइन, एंड दिस इज नथिंग बट वन बाई फोर इंटू साइन थ्री ए। बोलो। यस सर। दिस इज वन बाई फोर टाइम्स ऑफ साइन थ्री ए। तो व्हाट फॉर्मूला आई नीड टू रिमेम्बर इज 4 साइन 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ 60 प्लस ए, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 3 ए, राइट? यस। ठीक है सर, इसका सेकंड लास्ट स्टेप एक बार बता दो। ये सिर्फ वैल्यू पुट करी है, वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिया है, तो ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब पे आएगा, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 ए का। ओके सर। सर लिखो इसको एक बार, एंड देन व्हाट यू डू इज इसके बाद हम बात करेंगे इसकी। ये लिख लिया था ना या नीचे लाऊं मैं? सर अभी नहीं लिखा, दिखा दीजिए सर। ओके 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 ओके, आराम से लिखो। हो गया सर। ठीक है, सर हो गया। ठीक है ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनेगा 4 cos 60 माइनस ए इंटू cos ए इंटू cos ऑफ 60 प्लस ए, दैट विल बिकम इक्वल टू कॉस 3 ए। एक बार डिराइव कर लो अपने आप, प्रैक्टिस हो जाएगी बस, और कुछ है थोड़ी ना।
डन सर। ठीक है यस यस सर। ठीक है हो गया डन ना? यस सर। यस ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 4 हट जाएगा, 10 ऑफ 60 माइनस ए इंटू 10 ए इंटू 10 ऑफ 60 प्लस ए, है ना। साइन और कॉस वाले को डिवाइड कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, 10 3 ए, आई थिंक करेक्ट है। yes. कोई डाउट? नो सर। ठीक है लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार बता दोगे मुझे इस वाले को? यस सर। अरे साइन वाला फॉर्मूला नहीं आया था अभी? ये और ये कॉस वाला, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 4 4 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस आ गया 10 ऑफ 60 माइनस ए, फिर साइन अपॉन कॉस आ गया 10 ए, फिर आ गया वो 10 ऑफ 60 प्लस ए, है ना। ओके सर। आगे बढ़ते हैं, अब एक और फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस टू स्क्वायर ए इंटू कॉस टू क्यूब ए एंड सोन अप टू कॉस टू की पार एन माइनस वन इंटू ए। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन टू की पार एन ए, इधर लिख रहा हूँ, साइन टू की पार एन ए अपॉन टू की पार एन साइन ए। पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। ठीक है डन। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको तुम लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो देखो ये विजुलाइज कैसे करना है फॉर्मूला, एंगल ए फिर डबल ए फिर 2 का स्क्वायर ए फिर 2 का क्यूब ए एंड सो ऑन। तो जो एंगल है वो जीपी में 2 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लो। ये कॉस 2 ए है, ये कॉस 2 का स्क्वायर है, बस यहीं तक की बात करते हैं। सही है ऑल ऑफ यू? सर एक बार और बता दो। कुछ नहीं करा मैंने, 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ओके सर। ये 2 साइन ए कॉस ए होगा, साइन 2 ए बन जाएगा, ये फायदा हुआ इसका। फिर ये कॉस 2 ए हो गया, फिर ये हो गया कॉस 2 स्क्वायर है, और नीचे आपका 2 साइन ए ऑलरेडी है ही है। अब यहां देखो, अब मैं अगर 2 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ऊपर नीचे हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2। अब देखो पहले तो मुझे 2 साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 2 साइन ए से। yes. और अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 2 से। 2 से तो ये 2 साइन ए आ गया, ये cos 2a है, ये cos 2 का स्क्वायर a है, तो ये आ गया 2 sin 2a cos 2a हो गया आपका sin 4a। और देखो ये अगला टर्म भी cos 4a है, अब 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 स्क्वायर sin a रहा नीचे। सर अब तो 2 क्यूब हो जाएगा ना नीचे है? एक बार हमने ऊपर भी किया था मल्टीप्लाई, तो नीचे अब 2 क्यूब हो जाना चाहिए ना। ओ अच्छा ठीक है, तो ये 2 क्यूब आ गया, सही है। अब ये 2 sin a 4a cos 4a क्या आ गया, साइन 2 है यानी कि साइन 8 है,
तो साइन टू क्यूब ए अपॉन टू क्यूब साइन ए आ गया, आया है नहीं? यस सर। क्या देखना, जब हम टू के स्क्वायर तक जा रहे हैं तो साइन टू क्यूब ए एक पावर बढ़ गई अपॉन टू क्यूब साइन ए, तो इसी चीज के हिसाब से अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो जब मैं टू की पावर एन माइनस वन तक जाऊंगा तो एक पावर बढ़ेगी, तो साइन टू की पावर एन ए अपॉन टू की पावर एन साइन ए, दिस इज हाउ इट इज। सर एक बार और बता सेकंड स्टेप्स कहां से, टू साइन ए कॉस ए है ना, इसे मल्टीप्लाई किया उसके बाद सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखो पहले हमने फर्स्ट स्टेप में नीचे पहले हमने टू से मल्टीप्लाई करा तो टू साइन ए कॉस से आया, यस सर, तो 2 sin a cos a यहां पर आया इनटू cos 2a इनटू cos 2 स्क्वायर a अपॉन 2 sin a, 2 sin a cos a हो गया sin 2a, ये cos 2a है ये cos 2 स्क्वायर a है, अब यहां 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 sin 2a cos 2a हो गया क्या sin 4a, ये cos 4a, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो 2 साइन 4a cos 4a अपॉन 2 क्यूब साइन a, बोलो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। कर लो सर, जो ऊपर n वाला डिवीजन वो ये आ गया, जब हमने 2 के स्क्वायर a तक हमारे सीरीज थी तो फाइनली 2 का क्यूब आ रहा है और नीचे 2 क्यूब आ रहा है, तो जब 2 की पावर स्क्वायर की जगह 2 की पावर एन माइनस वन तक सीरीज होगी तो यहाँ एक बढ़ेगा ना, ये 2 की पावर एन आएगा और ये 2 की पावर एन साइन ए आएगा, ये तरीका है इसका। टू की पावर एन माइनस वन तक क्यों, 2 की पावर एन तक क्यों नहीं, सीरीज ही मैंने 2 की पावर एन माइनस वन तक ली है ना, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हो, तो अगर एन तक लेंगे तो यहाँ एन प्लस वन आ जाएगा, यहाँ एन प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन लिए है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये एन टर्म्स की सीरीज है। ओके सर। ठीक है, नीचे कट दिए नीचे ऊपर करूं या ठीक है, मतलब अभी सर नीचे का देख लिया तो ऊपर कर दो, पहले सेकंड लास्ट चैप्टर समझने आए कुछ है कि सेकंड लास्ट, मैं नहीं समझाऊंगा कुछ, सब कुछ बताओ क्या लिखा है, मैंने तुम दिमाग लाओगे तभी तो कुछ पता लगेगा, तुम बताओ क्या लिखा है सर, उसके पहले से 2 sin 2 a cos 2 a sin 4 a हो जाएगा है सर, 2 sin 2 a cos 2 a cos 4 a हो जाएगा, sin 4 a हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 किया सर तो फिर cos 4 a cos 4 a चला गया, cos 4 a कहां गया, अब 2 sin 4a cos 4a का फॉर्मूला sin 2a हो गया ना, हां यस सर, sin 8a हो गया ना, 2 sin 4a cos 4a sin 8a हो गया, यस सर, ये यस सर, ठीक है।
आपको कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बताओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो, देखते हैं कितना ट्राई कर पाते हो। ये सीरीज कॉस की है, जीपी सीरीज, अभी एपी सीरीज बाद की बात है, ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके क्वेश्चन में पहले कुछ करा देता हूँ तुम्हें। राइट डाउन वन क्वेश्चन, मैं कर दूं ऊपर सारा ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, करता हूँ। यस सर, करता हूँ, करता हूँ। या इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा तो कुछ नहीं चाहिए ना? नो सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉस 12, कॉस 24, कॉस 36, कॉस 48, कॉस 72, कॉस 84, करो ट्राई। हमारे पास क्या क्या मेथड है सॉल्व करने के।
आई वो सीरीज बनी किसी से, देखो ये सीरीज है कॉस ए कॉस टू ए कॉस टू का स्क्वायर ए, मैं यहीं पे हैंड टू हैंड लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन अप टू कॉस टू की पार एन माइनस वन ए, तो इट इज साइन टू की पार एन ए अपॉन टू की पार एन साइन ए, इज इट फाइन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 12, 24, 48, cos 12, cos 24, cos 48, यहाँ पे सीरीज बन रही है या नहीं बन रही? बन रही है। Yes, sir. लेकिन 72 पे नहीं बन रही, 36 पे नहीं बन रही। अच्छा cos 84 को मैं लिख सकता हूँ cos of 180 minus 96। Yes, sir. तो ये हो गया आपका माइनस कॉस 96, चौथे में भी बन रही है, और दो टर्म ये हो गए कॉस 36 कॉस 72। हालांकि मुझे दोनों की वैल्यू पता है 36 पर भी 72 पर भी, पर वैल्यू को छोड़ो, यहाँ भी सीरीज बन रही है नहीं बन रही? Yes. ये ए ये टू ए ये टू स्क्वायर ए ये टू क्यूब ए, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो लास्ट टर्म मैंने माना था एन माइनस वन, तो एन विल बिकम थ्री और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब n 3 है तो फॉर्मूला अप्लाई करो। n तो 4 होगा सर। Yes, sir, 4 आएगा। बहुत बढ़िया, n 4 आएगा, तो माइनस साइन 2 की पार n 2 की पार 4 a अपॉन 2 की पार 4 साइन a, ये फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। अच्छा ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ फिर उसको भी ले लूंगा। अब a क्या माना है तुमने, a 12 और ये कितने 16, 16 into 12 कितना हो जाएगा 192 upon 16 sin 12, सही है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 192, तो 192 मतलब 180 प्लस 12 अपॉन 16 साइन 12, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन 12 अपॉन 16 साइन 12, साइन 12 साइन 12 कट गया, 1 अपॉन 16 आ गया, सही है? यस सर। अब इसको देखते हैं, इसमें इसमें देखते हैं, इसमें ये a हो गया ये 2a हो गया, तो 2 की पावर 1 है, तो n माइनस 1 1 हो गया, तो n आपका 2 आ गया, n आपका 2 आ गया, तो ये बना साइन 2 की पार n, तो 2 की पार 2a अपॉन 2 की पार 2 साइन a, आई थिंक करेक्ट है? यस सर। तो a की जगह क्या क्या है यहाँ पर 36, तो साइन 4 इंटू 36 हो गया 144 अपॉन हो गया 4 साइन 36, देखो फिर से 144 प्लस 36 180 है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट होएंगे ही होएंगे, तो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 180 माइनस 36 अपॉन 4 साइन 36, फाइन? Yes. और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 36 अपॉन 4 साइन 36, साइन 36 साइन 36 कट गया, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 64। ओके सर। सर इसमें सर माइनस साइन 192 कहाँ से है? सर तो आपने लिखा है माइनस साइन 192। सर वो कैसा है सर? अरे ए टू की पार 4 क्या है 16, और ए क्या माना हुआ है यहाँ पर, ए क्या माना हुआ है ए 12, तो 16 इनटू 12 192 नहीं हुआ? यस सर। ठीक है सर, नेगेटिव साइन कैसे है सर? मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे, मैं तो बता चुका हूँ, सामने लिखा हुआ है, तुम बताओ कैसे आया। बाकी बच्चे बताओ कहाँ से आए नेगेटिव साइन? जो हमने साइन और कॉस 84 था उसको कन्वर्ट करा था। बिल्कुल, जो हमने कॉस 84 को यहाँ कन्वर्ट करा है कॉस ऑफ 180 माइनस 96, तो वो माइनस कॉस 96 होगा।
ओके सर लिख लो एक बार। सारे से कॉस 60 माइनस ए 60 प्लस ए वाले से भी कर सकता है ना, हाँ कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए लेकर। बेटा कहाँ वो फॉर्मूला कहाँ लग जाएगा, यहाँ कहीं आई नहीं ऐसा, ऐसे तो कहीं दिख ही नहीं रहा ना। सर कॉस 12 कॉस 72 और कॉस 48 सो कॉस ए। सर कॉस 12 कॉस 72 और कॉस 48 को लेके और फिर कॉस 24 84 और 36 को लेके। तो क्या हो रहा है सर, ए 60 माइनस से हो रहा है क्या पूछ रहा हूँ, कौन कौन से को लेके बोलना। सर 12 ए मान लिया तो 60 प्लस से 72 और 60 माइनस से 48 और सर फिर दूसरा ए 24 मान लिया तो 60 प्लस से 84 60 माइनस से 36 तो उससे 1/4 कॉस 3 है 1/4 कॉस 3 है। आगे बोलो। तो 1/2 मान लो मैं लगा भी दूं तो 36 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन वैल्यू याद होनी चाहिए फिर। ठीक है यस सर, आपने बताया था ना कॉस 36 आपने बताया था। ठीक है ठीक है डन। सर जो ऊपर कर दो ऊपर करूं सर। आपका माइक ऑफ हो गया। आपका माइक ऑफ हो गया। ठीक है यस सर यस सर। सर इसके लास्ट स्टेप में सर वो माइनस साइन प्लस साइन में कैसे हो गया। सर फिर से ऑफ हो गया ना। ठीक है यस सर। सर इसके लास्ट स्टेप पे माइनस साइन प्लस साइन में कैसे हो गया। क्या बोल रहे हो लास्ट में क्या। सर वहाँ पे सर माइनस साइन था ना तो वहाँ पे सर लास्ट में प्लस कैसे हो गया। अरे ये साइन 12 180 प्लस 12 तुम अपने आप करते ही नहीं हो, मुझे लगता है तुम लिखते नहीं हो। कॉपी में भी तो लिखो, अपने आप भी तो दिमाग लगाओ। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, इसको मत फॉलो करो, ये तो मैं समझा रहा हूँ। तो माइनस साइन थीटा और माइनस तो कट गया ना। ठीक है यस सर। चलो आगे बढ़े अब। यस सर ठीक है।
एक ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो, साइन 5/14, साइन 3π/14, साइन 5π/14 एंड सोन अप टू साइन ऑफ 13π/14। करो ट्राई। सर 1/64। 1/64 शायद इसका यही आंसर आएगा। सबको कॉस में कन्वर्ट करके कराए ना? यस सर। ये एपी का भी लगा सकते हैं, नहीं तो कॉस में कन्वर्ट करके तो हो ही जाएगा। बाकी लोग भी ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सबको कॉस में कन्वर्ट करो, हो जाएगा 5/14, 3π/14, 5π, 7π/14 आएगा। देखो 7π/14 तो 1 हो गया, फिर 9π/14, 11π/14, 13π/14, तो इसको तो भूल जाए। बोलो। यस सर। साइन ऑफ पाई बाई 14 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6π/14, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3π/7। सही लिख रहा हूं? जल्दी बोलो भाई, यस और नो कुछ तो बोलो। चलो इसको भी थोड़ा, इसको भूल जाओ, दोबारा से कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो सर, दोबारा बता दीजिए। दोबारा ही बता रहा हूँ, ये देखो, पहले तो ये देखो साइन पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14,
इन दोनों का सम जो है ना वो 40 कितना है इन दोनों का सम पाई 14 पाई बाई 14 तो ये पाई आ गया। जब भी दो एंगल का सम पाई होगा तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे तो साइन 13 पाई बाई 14 को लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 14 और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो ये भी साइन पाई बाई 14 आ गया ये भी साइन पाई बाई 14 आ गया तो टोटल मिला के साइन पाई बाई 14 का होल स्क्वायर हो गया। Yes, yes, अब आ जाओ इस पर ये है 3 पाई बाई 14 अब ये अगर 3 पाई बाई 14 है और ये है 11 पाई बाई 14 इनको भी ऐड करो तो 14 पाई बाई 14 पाई आ जाएगा तो इसको भी लिख लो पाई माइनस 3 पाई बाई 14 तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा फिर से हो गया साइन थीटा तो ये हो गया आपका साइन 3 पाई बाई 14 का स्क्वायर और ये आपका साइन 5 पाई बाई 14 तो 5 पाई बाई 14 को लिखेंगे पाई माइनस और इधर था आपका 9 पाई बाई 14 तो इसको लिख लो 5 पाई बाई 14 तो ये आ गया आपका साइन 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। आई थिंक इस स्टेप के बाद ये स्टेप तो सबको समझ में आ रही होगी ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इस साइन थीटा को लिखो कॉस थीटा में कन्वर्ट तो साइन ऑफ पाई बाई 14 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 एंड दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 एंड दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14 पहले ये स्टेप बताओ ये स्टेप सही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है अब देखो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 ये आ जाएगा आपका 766 पाई बाई 14 यानी कि 3 पाई बाई 7 और ये आएगा आपका 744 पाई बाई 14 यानी कि 2 पाई बाई 7 और ये आएगा पाई बाई 14 75 2 पाई बाई 14 यानी कि पाई बाई 7 यहां तक सही है ऑल ऑफ यू? यस सर। मैंने क्यों कन्वर्ट करा ये क्योंकि मुझे कॉस में सीरीज बनानी है तो ये a हो गया ये 2a हो गया लेकिन ये 4a नहीं हुआ ये 4a नहीं हुआ तो अब यहाँ देखो 3 पाई बाई 7 और 4 पाई बाई 7 को ऐड करूंगा तो 7 पाई बाई 7 यानी कि पाई आ जाएगा तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस वाले टर्म को और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा तो ये माइनस कॉस 4 पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 कॉस पाई बाई 7 इसका होल स्क्वायर बन गया तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा तो ये यही फॉर्मूला बन गया जो हमें चाहिए था कॉस ए पाई बाई 7 कॉस 2a 2 पाई बाई 7 कॉस 4a 4 पाई बाई 7 और इस टोटल का होल स्क्वायर और अब तो वो फॉर्मूला मिल ही गया तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है करो लिखो और आगे सॉल्व करो इसको। एक बार दिखा दीजिए। ऊपर का एक बार दिखा दीजिए। सर 1/64 है। ठीक है
हो गया डन? यस यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला मतलब इसका आइडिया आ गया तुम्हें, राइट? यस सर। तुम्हें क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, करो और किसी भी टाइप का होगा तो कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 210 पाई बाय 10 प्लस 3 sec पाई बाय 10 माइनस 4 cos पाई बाय 10। सर जीरो। सर जीरो जीरो आ रहा है। सबका बाकी लोग भी देखो। जल्दी करो बाकी लोग भी। सब लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करके करो इसको जल्दी से। साइन पाई बाई 10 प्लस 3 अपॉन कॉस पाई बाई 10, पहला तो यही आ जाएगा है ना, माइनस 2 कॉस पाई बाई 10। फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया कॉस पाई बाई 10 2 साइन पाई बाई 10 प्लस 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 10, आई थिंक यही आएगा। अब कर लो सॉल्व। साइन 18 की वैल्यू पता है तो वैल्यू डाल के कर लो, या कोई और तरीका तुम्हें लग रहा हो तो वो कर लो।
पाई बाई टेन मतलब 18 डिग्री ना, तो साइन 18 कॉस 18 पता होना चाहिए ना। क्या बता दूं, ये मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट करा है बस, और ये कॉस में कन्वर्ट करा है, तो 2 साइन पाई बाई टेन बाई कॉस पाई बाई टेन प्लस 3 अपॉन कॉस पाई बाई टेन। हाँ जी, हो गया, आंसर आ गया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन अगर जिनका नहीं भी हुआ अपने आप दिमाग लगा के कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर आंसर क्या, तुम बताओ क्या किसी का बच्चे का आया था? आंसर क्या सर? यस सर, जीरो आएगा ना, जीरो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग मॉड ऑफ कॉस 3x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस 3x प्लस मॉड ऑफ साइन 3x इन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। करो ट्राई। x का इंटरवल निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, है ना।
0 to π/6 देखो मैं मेथड बताता हूँ पहले, ये देखो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज मॉड ए प्लस मॉड बी इफ बोथ ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। ये पता है, ये लगाया कंसेप्ट? यस सर, ये लगाया। ठीक है, अगर ये एक भी अलग साइन का होगा तो ये मेथड लग ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि जैसे मॉड ऑफ 3 + 4 है तो मॉड 3 + मॉड 4 लिखेंगे बराबर आएगा, मॉड ऑफ -3 - 4 है तो मॉड ऑफ -3 + -4 लिखेंगे बराबर आएगा, है ना? लेकिन अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो फिर ये बराबर नहीं आएगा, यही कंसेप्ट है इसका। तो यानी कि हमें वो है, दोनों पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ cos 3x into sin 3x आपका पॉजिटिव आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/2 कर दूं, तो 1/2 sin 6x पॉजिटिव आना चाहिए, बोलो। तो sin 6x पॉजिटिव आना चाहिए, तो 6x कहां से कहां तक लाई करेगा, 6x पॉजिटिव मतलब 6x will lie between 0 to pi, तो x will lie between 0 to π/6, और अगर 6x हम π/2π से 3π ले, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, तो x आएगा आपका 2π/6 मतलब π/3 से π/2, देखो दो वैल्यू आ गई, तो x belongs to आएगा आपका 0 से π/6 union π/3 से π/2, क्योंकि उसने एक बड़ा इंटरवल दिया हुआ है मुझे 0 से π/2, तो इस इंटरवल में बात बनेगी जाके, ये दो इंटरवल इसके आंसर होंगे 0 से π/6 और π/3 से π/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, और ये आंसर किसी भी बच्चे ने, एक बार वापस बता दो। देखो साइन थीटा पॉजिटिव, साइन 6x पॉजिटिव, और साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पहले और दूसरे में, तो या तो हमने लिखा 0, पहले को मैं 2π से 3π भी लिख सकता हूँ ना, पहले क्वाड्रेंट को 0 से π भी लिख सकते हैं, पहले और दूसरे को, और 2π से 3π भी लिख सकते हैं, ऐसे इट इज लाइक दिस। तो 6x जो होगा वो 0 से π भी चलेगा और 2π से 3π भी चलेगा, तो दोनों को सॉल्व करके x का इंटरवल निकाला, बिकॉज मुझे इस पूरे इंटरवल में x का इंटरवल चाहिए, तो ये एग्जैक्टली इसका इंटरवल आएगा। बताओ कोई डाउट? तो हमने 6x भी लिया है बीच में, 6x भी लिया है क्या? तो 6x भी लिया है वहां पे, sin 6x कैसा है? 2 sin a cos a का फार्मूला क्या होता है? तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें याद, मतलब तुम्हारे डाउट थोड़े वैसे होते हैं तो तुम्हें कुछ सजेस्ट भी करूं। तुम्हारा नाम क्या है? सर देवेश। विवेश या देवेश? सर देवेश। ठीक है बेटा, ये तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं क्या, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a का फॉर्मूला, 2 sin a cos a क्या होता है जल्दी बोलो, 2 sin a cos a, साइन 2 है तो ए है 3x, तो साइन 2a क्या होगा, ये नहीं होगा, बोलो तो। यस सर, थोड़ा ना प्रैक्टिस करो, मतलब तुम्हारे ना डाउट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम छोटी सी चीजें पूछते हो, तो छोटी चीजें पूछने का मतलब ये हुआ कि कुछ बेसिक चीजें तुम्हारी मिसिंग है, तो जो मैंने कॉपी में तुमने लिखा होगा एक एक चीज पहले रिवाइज भी करा करो बार बार, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करो बिना देखे, तो जो छोटी छोटी चीजें मिसिंग है ना वो सब तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, तो मुझे एटलीस्ट एक आइडिया लग जाता है पूछने से कि किस लेवल पे डाउट पूछ रहे हो, क्या आइडिया हो रहा है ना, तो छोटी छोटी चीजें तुम मिसिंग कर दोगे तो तुम्हें अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लोगे तो वो नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें पहले रिवाइज कर लो, ठीक है? यस सर। और बच्चे बताओ, किसी को कोई डाउट है? सर इनका बड़ा हो, क्या बोल रहे हो सर, cos 3x और sin 3x इनका प्रोडक्ट होगा? हाँ, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं ना, तो सेम साइन के हैं तो सबसे अच्छा तरीका है या तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। यस सर, ये बात है ना।
यस तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो अगर साइन साइज सेम है तो साइन सेम है तो साइन सेम है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा या तो दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा और दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा तो नहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नहीं आएगा ना यस सर यहाँ तक ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको यस yes. ठीक है यस सर लिखो एक और क्वेश्चन इफ कॉस 2x प्लस 2 कॉस x इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर x करिए आसान क्वेश्चन है वैसे ये हाँ जी हो रहा है बेटा यस सर थोड़ा जल्दी करो यस सर करो करो करो
जल्दी करो बताओ क्या कैसे होगा, जल्दी बोलो। बस होने वाला है। नहीं हो रहा सर, होने वाला है। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे इसका तो एक तरीका ये भी है, इसमें डायरेक्टली cos x की मतलब एंगल भी निकाल सकते हो अगर और आसान करना है तो। यहाँ से ना ये cos को है, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है सर? cos 2x का sin x के टर्म में? नहीं नहीं, cos स्क्वायर x के टर्म में। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये आ जाएगा ना। यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, बहुत आसान है। तो cos x की वैल्यू आएगी माइनस बी, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर फोर माइनस फोर एसी कितना आएगा सर? डन सर, आंसर 16 आ रहा है। आंसर तो 1 आएगा इसका सर, 1 आएगा 16 डिवाइड बाय 16। हाँ तो यानी कि cos x की वैल्यू आ गई रूट फाइव माइनस 1 बाय 4, बस बात खत्म, कुछ सॉल्व। cos x आ गया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर x, इसको लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये है 2 माइनस cos स्क्वायर x। cos x की जगह वैल्यू पुट कर दो ये रूट फाइव माइनस 1 बाई 4, नहीं नहीं रूट फाइव माइनस 1 बाई 4 नहीं लिखी है, रूट फाइव माइनस 1 ही आ जाएगी। 2a 4 था ना, ये 2 आ जाएगी। बच्चे सही है नहीं? बताओ इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। सर हमने, हाँ बोलो बेटा सर, लास्ट वाले स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हमने कुछ नहीं करा है, ये क्वाड्रेटिक बनाई इसको है ना। ओके सर, तो यहाँ तक कौन आ गया मेरा भी आ गया, इसके नीचे वाला स्टेप मेरे को यहाँ तक ठीक है, तो इसके ऊपर वाला ठीक है सर, नीचे वाला नहीं आ रहा। हाँ तो cos x की वैल्यू फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर इज 4 माइनस फोर ए सी 16 अपॉन 2a दैट इज ऑल्सो 4, तो ये 4 आ गया, तो ये आ गया आपका प्लस माइनस रूट 20। रूट 20 को लिखा 2 रूट 5 अपॉन 4, 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, फिर ये 2 हो गए, एक प्लस वाला हो गया एक माइनस वाला हो गया। अगर मैं माइनस लूंगा तो ये वैल्यू माइनस 1 से छोटी हो जाएगी और cos थीटा माइनस 1 से होगा नहीं, तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू ली, तो cos x की वैल्यू आई रूट 5 माइनस 1 बाई 4। ओके सर, समझ में आ गया। अब इसको वैल्यू को पुट करो, सभी लोग वैल्यू को पुट करो जरा। माइनस 1 बाई 2 है क्या? 4 है। हाँ 2 है, आंसर 1 आएगा, 2 आएगा फाइनली, क्योंकि एक 2 था ना, एक 2 तो कॉमन लेके कट जाएगा ना। ये सर cos x की वैल्यू सर क्या है? रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। हाँ डिवाइड बाय 2। ओके सर, अब cos स्क्वायर x निकाल लो, cos स्क्वायर x आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, तो ये हो गया 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस रूट 5 बाय 2, ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो। 1 माइनस ऑफ 3 माइनस रूट 5 बाय 2 इंटू 2 माइनस ऑफ थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू, ये कर दो, ये सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस रूट 5, तो माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू ये 4 माइनस 3 1 प्लस रूट 5 बाई 2, सॉल्व कर लो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 4 बाई 4 1 आ जाएगा। यस सर, समझ में आ गया? यस। पहले cos x की वैल्यू रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू के साइन। हाँ जी सर, cos x की वैल्यू रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू के साइन। यही तो समझा रहा था मैं भी इससे पहले वाले स्टेप पे कैसे आई सर, मेरा सर कनेक्शन लॉस हो गया सर, वो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ओके ओके, देखो cos x की वैल्यू ये आई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। यस सर, अब ये देखो ये रूट 20 हुआ, रूट 20 हो गया 2 रूट 5, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 4, सही है। इसके बाद वाली ये स्टेप? यस सर। ठीक है,
अब उसके बाद 2 से डिवाइड करा तो माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? यस सर। फिर माइनस वाली जो वैल्यू है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू, ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वन माइनस टू पॉइंट समथिंग बाई टू, तो ये माइनस वन से छोटी हो जाएगी, लेस देन माइनस वन, वो पॉसिबल नहीं है, कॉस थीटा माइनस वन और वन के बीच में होता है। ओके सर। सही है? यस सर। ये बात है, तो आगे वैल्यू रूट फाइव माइनस वन बाई टू। सर लेफ्ट साइड का थोड़ा नीचे का पोर्शन दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। लास्ट स्टेप कैसे किया? ये वाला? Yes, तो इसकी वैल्यू रखी ना, cos x की वैल्यू आई थी, उससे cos square x निकाल लिया, स्क्वायर करके cos square x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, दोनों को सॉल्व करो। देखो क्या डाउट आ रहा है। बताओ सर। एक मिनट, मैं बहुत चार्ट है। हाँ ठीक। सर। हाँ जी सर। ई काइट्स पे जो सर इसका स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा फिर अलग से? मतलब दोबारा बोलना, एक तो ई काइट्स पे तुम्हारे डीपीपी वगैरह होंगे सब, है ना? यस यस सर। और एक वो स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में भी होगा, वो तो पीडीएफ मिल रहा होगा ना? तो प्रिंटेड मिलेगा या फिर? यस प्रिंटेड सर। प्रिंट करवा लिया फिर? अभी तो पीडीएफ ही चल रहा होगा लेकिन प्रिंटेड मिलेगा ही वो तो। सर जो फंक्शंस चैप्टर था उसका उसके मॉड्यूल लगता है अपलोड नहीं हुई सर। फंक्शंस के मॉड्यूल? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चैप्टर 3 होगा उसके भी नहीं है, चैप्टर 4 के हैं, इक्वेशंस के हैं। नहीं नहीं ट्रिगो के तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तुमने उसमें देखे ही। वो मैं अभी सामने है कोई क्वेश्चन? डीपीपी है तुम्हारे सामने? सभी निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का तो 5-6 डीपीपी होंगे। देखो सर। नहीं मॉड्यूल कह रहा हूँ। मॉड्यूल? अच्छा मॉड्यूल कह रहे हो, मॉड्यूल मैं बात कर लूंगा। ठीक है सर। उसका पार्ट 1 वाला? ठीक है ठीक है, वो मैं पूछ लेता हूँ। सर डीपीपी तो है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हाँ लॉग आउट करता हूँ। ओके ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर। डीपीपी का क्वेश्चन था। हाँ बोल दो। tan x plus sec x is equal to 2 cos x। ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। हाँ सर इसके 3 सलूशन आएंगे, उसमें 2 ही आंसर आ रहा है। तो 2 तो आएगा ही, क्लास में बताया था। एक रिजेक्ट होगा पाई बाई 2 वाला, 3 पाई बाई 2 वाला, क्योंकि वहाँ पर tan और sec अनडिफाइंड है, याद भी है मुझे ये क्वेश्चन, क्लास में कराया हुआ है। यस सर। तो 3 दिखने में 2 ही, एक्चुअल तो 2 ही होंगे। ओके सर। ठीक है चलो बाय। ओके बाय सर। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।